अमेठी के चुनावी अखाड़े में राहुल के सामने सबसे बड़ी मुश्किल कुमार विश्वास पैदा कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से कुमार अमेठी में ही जमे हुए हैं और जीत का विश्वास दिखा रहे हैं। उनकी ताकत बनने के लिए केजरीवाल भी कल अमेठी में रैली करने वाले हैं। कभी पिछले 10 साल में उन्होंने कोई अपना प्रतिनिधि, कोई अपना एजेंट और हिंदी में कहो तो कोई अपना दलाल अमेठी के सियासी अखाड़े में 2014 की जंग का कोई जवाब नहीं। अमेठी में चुनाव पहले भी हुए हैं और पिछले 47 साल में सिर्फ दो बार ही यहां की संसदीय सत्ता गैर कांग्रेसी के हाथ में गई है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में किसी भी उम्मीदवार पर कोई दांव खेलने को तैयार नहीं। यानी 16 मई तक अमेठी को लेकर सस्पेंस बरकरार रहेगा। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास इस बार राहुल गांधी को अमेठी से बेदखल करने का प्रण लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। कुमार को विश्वास है कि इस बार राहुल की जीत के सपने पर वो झाड़ू जरूर फेरेंगे। ये वंशवाद का किला ढह सकता है। अमेठी के अपराधी, अमेठी का भावनात्मक शोषण करने वाले कांग्रेसी हार सकते हैं। उनके दलालों का कुचक्र टूट सकता है और अमेठी के रामलीला मैदान में 50,000 से ज्यादा आए हुए अमेठी वालों ने जब हुंकार भरी और गांव गांव में गया, 40 रात गांव में सोया, 1150-1150 गांव में घूमा, उसके बाद आज नामांकन पर यह तय हो गया कि विजय का विश्वास सुनिश्चित है। कुमार विश्वास का भरोसा बढ़ाने के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी काशी से अमेठी के लिए कूच करने वाले हैं। केजरीवाल की कल अमेठी में रैली है और इस बार बनारस और अमेठी इस देश की जनता को बीजेपी और कांग्रेस से मुक्ति दिलाएंगे। बनारस और अमेठी इस देश की जनता को नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी दोनों से मुक्ति दिलाएंगे और ये एक महाक्रांति है। राहुल को अमेठी के अखाड़े में पटखनी देने के लिए कुमार विश्वास ने अपने चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही यहां डेरा जमा लिया है। जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया अजान का, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान का। दावा है कि संसदीय क्षेत्र के हर गांव का दौरा किया है और लोग भी राहुल से राहत चाहते हैं। 7 मई को अमेठी अपनी पसंद ईवीएम में दर्ज करेगी और फैसले का पिटारा खुलेगा 16 मई को। तभी पता चलेगा कि अमेठी कुमार विश्वास को मौका देती है या फिर राहुल के गले में ही जीत का हार पहनाती है। आज तक ब्यूरो।